दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार वर्मा एसी एंड एबीसी। तो आज का वीडियो दोस्तों मुख्यतः होने वाला है ब्रायलर फार्मिंग के ऊपर, और ब्रायलर फार्मिंग पे ये जो हमारा वीडियो है दोस्तों, मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि खास करके जो हमारे दोस्त फार्मिंग करते हैं, जो बहुत पुराने फार्मर होंगे शायद उनको पता भी होगा, और जो नए हैं उनको शायद अभी नहीं पता है कि ब्रायलर फार्मिंग में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि प्रॉपर आपको गांव में उपलब्ध हो जाती हैं, और उनका काम जो है बहुत ही अच्छा होता है। यानी वो दवाएं दोस्तों आपके फार्म के अंदर बहुत ही एक नंबर का काम करती हैं, और वो दवाएं जो है आपको गांव में मिल जाती हैं, सस्ते दाम पे मिल जाती हैं। इनको चलाना कैसे होता है इसके ऊपर पूरी बात करने वाला हूं दोस्तों। कब से कब चलाना है, कितने एज में चलाना चाहिए, कितने डोज देना चाहिए, इन सारी टॉपिक के ऊपर एक एक करके मैं सारी बात करूंगा। तो आप लोग वीडियो पे बने रहें। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, जो भी पोल्ट्री फार्मर हो उनको शेयर जरूर करें। तो दोस्तों देर ना करते हुए हम लोग डायरेक्ट शुरू करते हैं, अपने ग्रोथ प्रमोटर की ओर चलते हैं, जो कि है प्योर देसी ग्रोथ प्रमोटर है दोस्तों, जो कि बहुत ही अच्छा काम करता है। खास तौर से गर्मी के टाइम पे जब आपकी सारी ग्रोथ प्रमोटर की दवाएं जब काम तो करती हैं, लेकिन उनका साइड इफेक्ट ये आता है कि उससे मोटिलिटी भी होने लगती है, उस टाइम पे ये जो हमारा ग्रोथ प्रमोटर है बहुत ही जबरदस्त काम करता है। बशर्ते दोस्तों इसमें ध्यान कुछ रखना है, उन सारी चीजों को भी आप लोग समझिएगा। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों, जो आपका ग्रोथ प्रमोटर जो आप बनाने जा रहे हैं, इसके लिए आपको क्या क्या मटेरियल चाहिए जो कि आपको गांव में आसानी से उपलब्ध हो जाए। तो इसमें नंबर एक पे आता है आपका दूध, ठीक है, नंबर एक पे दूध आता है। इसका मैं बाकायदा एक लीटर दूध दोस्तों, एक लीटर दूध जो है बराबर है 1000 मुर्गे के लिए, ठीक है। यानी ये समझने की बात है दोस्तों, अगर आपको आपके पास ग्रोथ प्रमोटर आपको बनाने जाना है तो आपका एक लीटर दूध होना चाहिए, और ये कितने मुर्गे के लिए हो जाएगा, 1000 मुर्गे के लिए एक लीटर इनफ है। अब बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे भी हैं जो कि कहेंगे कि भाई जो आपने दूध बताया है तो दूध का काम क्या है। तो दोस्तों आप लोगों को तो पता ही होगा, और आप लोग बहुत ही जमाने से सुनते भी आ रहे होंगे कि जो अपना दूध होता है ये पेवर इस तरह से होता है कि जैसे बुजुर्ग लोग कहते थे ना कि भैया दूध पीजिए, दूध में सारे विटामिन होते हैं। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं सत्य है, दूध के अंदर आपको समस्त विटामिन मिल जाते हैं जो कि एक बॉडी ग्रोथ में बहुत ही अच्छा काम करता है। दूसरे नंबर पे जो चलाना है आपको वो लेना है, चाहे आपको गुड़ मिल जाए तो ज्यादा बेटर है, अगर गुड़ नहीं मिल रहा है ठीक है तो आपको क्या लेना होगा, चीनी, या जिसको कहीं कहीं शक्कर बोलते हैं, शक्कर आपको लेना होगा। चाहे आप गुड़ ले लीजिए, चाहे चीनी ले लीजिए, चाहे शक्कर ले लीजिए, ये भी क्या होगा, एक केजी बराबर हो जाएगा 1000 मुर्गे के लिए, ठीक है दोस्तों। ये समझिएगा, बहुत ही अच्छी चीज बता रहा हूं आप लोगों को। दूसरे नंबर पे आपका गुड़ हो गया दोस्तों, गुड़ नहीं मिलता है तो चीनी या शक्कर ले लीजिए। अब जो बारी आती है वो तीसरे नंबर की है दोस्तों, जो कि इंपॉर्टेंट है। इसमें ना आपको कोई महंगी आइटम नहीं बताऊंगा, अभी मैं इसका कॉस्ट भी जोड़ देता हूं आपको। ये जो लास्ट वाला है दोस्तों, इसमें आपको क्या लेना है, इसमें ले लेना है जो टेबलेट आता है बीकासूल, जिसको बोलते हैं दोस्तों बीकासूल टेबलेट ले लेना है।
ये ना बी का सूल जो है, एक मिनट, तो दोस्तों ये जो बी का सूल है ना, ये आपको पाउच में मिल जाता है जो कि 80 रुपए का आता है। एक पाउच होता है जिसमें 100 टेबलेट्स होते हैं, वो आप ले लीजिए। 80 रुपए में आपको 100 टेबलेट मिल जाएंगे, यानी लगभग मान के चलिए कि 80 पैसे का एक टेबलेट पड़ता है दोस्तों। ये 80 पैसे का एक टेबलेट पड़ता है। ये कैसे चलेगा वो भी बता रहे हैं। एक टेबलेट चलता है, एक टेबलेट बराबर 40 किलो बॉडी वेट। ठीक है, 40 किलो बॉडी वेट पे आपको कितना लगाओगे दोस्तों, आप 40 किलो पे एक टेबलेट लगाना है। तो इस तरह से आप पहले अपने मुर्गे का टोटल बॉडी वेट निकाल लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 1000 मुर्गे हैं, उनका वजन आ रहा है 1400 ग्राम। ठीक है, तो 1400 ग्राम जब वजन आएगा तो उसमें आपको इसको क्या करेंगे आप लोग, ये आपका बन जाएगा 1400 केजी। अब इसको क्या करेंगे, 40 से इसको भाग कर दोगे। ठीक है, जब आप 40 से भाग कर दोगे तो जो भागफल आ जाएगा उतने टेबलेट बनेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको भाग कर देते हैं, 4 3 12 और 4 5 20, यानी बराबर हमारा 35 टेबलेट आ गया। अगर हमारे पास 1000 मुर्गे हैं, 1000 हैं और उनका शरीर भार जो है टोटली भार 1400 ग्राम आ रहा है, तो हमें कितना टेबलेट चलाना होगा, 35 टेबलेट हमें मात्र लगाने होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग अपने मुर्गे का औसत वजन निकाल लेंगे। पहले औसत वजन निकालने के बाद में 40 किलो पे एक टेबलेट देना है। अब आप समझिएगा इसको चलाना कैसे है और कब चलाना है, कितने पानी में चलाना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एकदम अर्ली मॉर्निंग सुबह में, सुबह सुबह आपको क्या करना है मैं बता रहा हूं। सुबह सुबह आधे घंटे के लिए, लगभग मान के चलिए 30 मिनट के लिए, 30 मिनट के लिए पानी को बिल्कुल ब्रेक कर देना है, पानी बंद कर देना है, पानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, पानी नहीं होना चाहिए तो क्या होगा कि आपका जो मुर्गा है ये प्यासा हो जाएगा, प्यासा हो जाएगा। तब आप इन सारी चीजों को मिलाएंगे, अच्छी तरह से मिलाएंगे, फिर ड्रिंकर टू ड्रिंकर सारे में थोड़ी थोड़ी सी, जैसे मान लीजिए कि आपके पास 40 ड्रिंकर लगाया है आपने, तो 40 कोई गिलास ले लीजिए, बाल्टी में 40 गिलास उसमें पानी रख लीजिए, ये जो आपने मिलाया है इसके सहित। तो आप क्या करेंगे, एक एक गिलास सब में डाल देंगे और वो पूरा हो जाएगा। इसके बाद में पानी चालू कर देंगे, फिर मुर्गे को छोड़ देंगे, वो मुर्गा पानी पी लेगा। दोस्तों 1.5 से 2 घंटे में ये खत्म हो जाना चाहिए, यानी लगभग मान के चलिए 2 घंटा पकड़ लीजिए, 2 घंटे में ये खत्म हो जाना चाहिए टोटली पानी। नहीं तो फिर होता क्या है दोस्तों कि दूध जो है इसका असर जो है कम होना शुरू हो जाता है। तो 2 घंटा बहुत हो गया, 2 घंटे में आप थोड़ा सा उसमें चल दीजिएगा, दौड़ाना नहीं है, हल्के से चलेंगे तो उठ करके बर्ड आपका पानी पी लेगा और ये दवा बहुत ही अच्छे से काम करेगा। अब बता रहा हूं आपको इसको चलाना किस एज में है। सबसे पहली बात दोस्तों, आपका मुर्गा जब लगभग 25 दिन प्लस का हो जाए, 25 दिन के बाद, ठीक है, 25 दिन के बाद आपको क्या करना है कि ये चीजें जो हमने बताई है ये कंटिन्यू आपको चलाना है। जैसे मान लीजिए कि आपने लगाया तो ये दूसरा दिन छोड़ना है, फिर तीसरे दिन चलाना है, फिर तीसरे दिन चलाने के बाद चौथा दिन छोड़ेंगे, पांचवें दिन चलाना है। ठीक है, तो
तो इस तरह से आप अपने बर्ड को पिलाइए और देखिएगा कि कितना बेहतर रिजल्ट आता है। दोस्तों आशा करता हूं दोस्तों कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।